तो भाई स्वागत आप सभी का हमारी आज की एक और नई वीडियो के अंदर। सबसे पहले सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप देख सकते हैं हमने अपने स्वराज के आगे भी अपना इंडिया का नेशनल फ्लैग तिरंगा लगा रखा है, और उधर वो अपना जॉन डियर खड़ा है उसके आगे भी लगा हुआ है। तो आप सब भी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर अपने ट्रैक्टर या फिर किसी व्हीकल पर ज़रूर इंडियन फ्लैग लगाइए, हमारे इंडिया की शान है। तो अभी आप देख सकते हो हमने पहले अपना ट्रैक था वो वाला, वो हमें अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो छोटा था अपने ट्रैक्टरों के लिए। तो हमने एक नया ट्रैक बना रहे हैं हम यहाँ पे, नया या आपके लिए सरप्राइज है, पूरा कंप्लीट होने के बाद दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो अपना स्वराज प्लस में ट्रॉली इज इक्वल टू तबाही। तो अभी अपने जो ये ट्रैक की यहाँ से हमें मिट्टी उठानी है सारी, मतलब उसकी तरह गहरा करना है। तो उसके लिए हम अपने स्वराज में मिट्टी लोड कर रहे हैं। तो अपने स्वराज को यहाँ पे ट्रॉली को और स्वराज को लगा लेते हैं फिर लोड। तो अभी अपने स्वराज को इधर लगा लेते हैं। आज आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि मैं अकेला ही ट्रैक्टर चला रहा हूँ, अकेला ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना आज। तो अभी अपनी ट्रॉली लोड कर लेते हैं। तो भाई फिलहाल जो मेरा कैमरामैन आ गया है, तो अभी अपनी वीडियो से ही बनेगी। स्वराज की ट्रॉली हमने लोड कर लिया है, स्वराज अपना बिल्कुल रेडी है, पूरा दाड़ रहा है, यूँ कह रहा है मैं ही सारी मिट्टी काट दूँगा। तो अभी अपनी स्वराज को चलाते हैं, और ये अपना छोटा सा रैंप है, इधर आप देख सकते हो। यहाँ से हमें पूरी ट्रॉली का राउंड लेना है, तो पहले चढ़ा लेते, चढ़ा भी पाएगा या नहीं, जहाँ तक चढ़ा देगा क्योंकि स्वराज है। तो अभी अपना स्वराज जो ट्रॉली को लेके आ चुका है, इधर से थोड़ी सी रिवर्स लेनी पड़ेगी। अपने जो स्वराज का टायर ट्रॉली में अटक गया था थोड़ा सा, इस कारण थोड़ी सी स्ट्रगल सी कर रहा था, स्वराज चढ़ा नहीं पा रहा था। अब अपना स्वराज ट्रॉली को लेके आ चुका है, और ये अपना रास्ता है दूर होने का। तो इंडियन फ्लैग देखो अपना कैसे हवा की उसमें लहर रहा है, तो कमेंट करके बताना आपको हमारा इंडियन फ्लैग कैसा लगा, ज़रूर बताना कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी इधर से हमें ट्रॉली उतारनी है, तो यहाँ से मैं क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा सा, रास्ता सा बना देता हूँ, नहीं तो अपनी ट्रॉली पलट जाएगी। आप सामने देख सकते हो हमारे थोड़ा सा पानी सा भरा हुआ है, हमें अपनी ट्रॉली को इसमें खाली करना है। बैठ जा, अभी अपना स्वराज ट्रॉली को लेके आ चुका है। यहाँ पे भी स्पिन मार रहा बहुत ज्यादा, चढ़ तो गया अभी,
यहीं पे ही खाली करेंगे अपनी ट्रॉली को, थोड़ा सा ट्रैक्टर को आगे कर लेते हैं। तो अभी अपना ट्रैक्टर इधर तो चढ़ नहीं पा रहा क्योंकि पैरों की जो ग्रिप है वो भी बिल्कुल गायब हो चुकी है। चढ़ तो गया, चलो ट्रॉली को खाली कर लेते हैं। अभी जो ये ट्रॉली है ये अपनी नहीं है, अपने एक दोस्त की है जिसका वो झोंबिया था, वो भी हमारे पास है, उसकी भी आपको वीडियो मिलेगी। तो इसको पूछ करते चालू कर। तो ट्रॉली हमने खाली कर ली है, इसमें अभी उसने जैक नहीं लगाया है, कुछ दिनों बाद वो जैक भी लगा देगा। और मैंने गलती से ट्रॉली को उकमे से ही अटैच कर दिया था, अभी फिर से जोड़ लेते हैं। तो अभी आपको मिलते हैं सीधा अपने ट्रैक पे पहुंचने के बाद। आप अपना नेशनल फ्लैग देखो कैसे लहर रहा है। तो अभी हम अपने ट्रैक पे आ चुके हैं। कमेंट करके जरूर बताना अपने स्वराज की पावर कैसी है और आपको अपना स्वराज कैसा लग रहा है। बहुत दिनों से हम जोंडियर की वीडियो ला रहे थे, कभी जोंडी आ जाता था कभी अपना टोचन गिंग। स्वराज हमसे बिल्कुल नाराज सा हो रहा था क्योंकि इसकी हम ना कोई काम कर रहे थे इसके ऊपर, ना ही कोई वीडियो बना रहे थे इसकी। तब की बार स्वराज का जोर पर रख लिया। तो एक बार ट्रॉली को भर लेते फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई फिलहाल हमने अपनी ट्रॉली को दोबारा से लोड कर लिया है, अब अपने स्वराज को फिर से चलाते हैं। साइड ब्रेक का बहुत ज़्यादा फायदा क्योंकि अपने ट्रैक्टर में स्टेयरिंग नहीं है और स्टेयरिंग का अपने पास लगाने का कोई फायदा नहीं आता है क्योंकि अपने ट्रैक्टर आगे से उठ जाते हैं लोड में, अगर आगे हम वेट रख देंगे फिर ये स्टंट नहीं लगाते। तो इस कारण हमें साइड ब्रेक ही लगाने पड़े, स्टेयरिंग नहीं लगा रहे। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना आपको ये हमारा जो ट्रैक है नए वाला ये कैसा लगा। अपने जो स्वराज की ट्रॉली यहाँ पे पलट गई क्योंकि हमें यहाँ पे अनलोड करनी थी, इसलिए अपनी ट्रॉली मैंने यहाँ पे ऊंचे नीचे सरफेस पे चढ़ा के पलटाई थी। तो अभी एक लास्ट ट्रॉली भर लेते हैं और बाकी अगली वीडियो में भर लेंगे। तो फिलहाल हम दोबारा से आ चुके हैं आज की हमारे लास्ट ट्रॉली को भरने के लिए। धूप भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। अपना ट्रैक्टर फिर से आ चुका है ट्रॉली को लेके। फिलहाल अपना स्वराज आ चुके हैं अपनी ट्रॉली को लेके, धूप भी जा चुकी है थोड़ी थोड़ी आई थी। अब की बार हमें वहीं पर ही लेके जानी है ट्रॉली जहाँ पे हमने पहली ट्रॉली को खाली किया था अपनी को, तो उधर ही लेके चलते हैं। अब की बार ये कोई रिस्क नहीं है यही करवाना, नहीं तो अब की बार इधर पलटी तो ट्रॉली गड़बड़ हो जाएगी। अपना जो स्वराज है उसका टायर ट्रॉली के जो, तो अभी अपना स्वराज आ चुका है ट्रॉली को लेके। तो अभी अपनी ट्रॉली को यहीं पे खाली करेंगे, पहले मैं स्पीड बना लेता हूँ ताकि ये फिर से ना रुके। स्वराज अपना रुक ही गया, हम रोकना ही चाहते थे इसको। यहाँ पे तो भाई यहाँ पे कीचड़ ज़्यादा हो रहा है, इस कारण अपना ट्रैक्टर अच्छे से चल नहीं पा रहा और ग्रिप बिल्कुल ही जा चुकी है क्योंकि ट्रैक्टर यहाँ पे दलदल सी क्रिएट कर रहा। तो यहीं पे खाली कर लेते ट्रॉली को। तो आप देख सकते हैं पास आ जाए अपने जो स्वराज का लेफ्ट वाला टायर है बिल्कुल दलदल में फंस चुका है, बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो अभी इसको बाहर निकालते अपने ट्रैक्टर को, अभी भी अगर दलदल में ही है, अब निकल गया है। अभी देखते हैं अपना स्वराज को स्टंट लगा पाता है या नहीं। वैसे इसकी बैटरी तो डिस्चार्ज हो रही है फिर भी देख लेते क्या पता लगाई दे। तो फाइनली अपने स्वराज ने स्टंट तो लगा दिया, अब इसको बढ़िया जगह पे लेके चलते हैं। तो अभी हम अपने स्वराज को सही जगह पे ले आए हैं जहाँ पे अपना ट्रैक्टर जो है वो अच्छे से स्टंट लगा दे।
देखते अपना ट्रैक्टर स्टंट लगा पाएगा। ट्रैक्टर ने अपने स्टंट मार दिया। आप अपना इंडिया का झंडा देख सकते हो कैसे हवा में लहरा रहा है। तो अपना ट्रैक्टर भी एक साइड ब्रेक पे घूमने की कोशिश कर रहा है और घूम भी रहा है। ट्रैक्टर अपना नीचे आ चुका है। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको अपने स्वराज की पावर और रिस्पॉन्स कैसा लगा ट्रॉली में। अगर आप अपने जोम्बिया का भी यही रिस्पॉन्स देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।